हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज करेंगे, जो कि PYQ सारे पूछे गए हैं। तो UPPCS, UPSC, UPPCS, RO, इन सब एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, BEO वगैरह के लिए, ACRFO, इन सब के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, एक मिनट। सॉरी, वो कचड़ा वाला गया था। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप। तो राजन साजन मिश्र की गायन शैली है ध्रुपद टप्पा। बड़ी मैना की गायन विधा है ठुमरी टप्पा। अंबाजी चतुर्वेदी की गायन शैली है ध्रुपद। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया झांसी में। कुंभ मेला को भारत की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने। वह शहर जिसको राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, वो आगरा है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत है बीरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है चरकुल्ला, कर्मा, पांडव। नवाज सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहु बेगम का मकबरा प्रसिद्ध है फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश के वे नगर जिनको विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया वह वाराणसी और मथुरा। बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध है चरकुल्ला लोक नृत्य से। चरकुल्ला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है मुरिया। और यह नृत्य की संस्कृति संबंधित है ख्याल और बाज लखनऊ से। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न क्षेत्र से है बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है डांडिया नृत्य। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा, कार्तिक एवं लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से उत्तर प्रदेश से संबंध है कथक का। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ढोला मारू, राजस्थान का है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में सम्मिलित नहीं है उसकी बिक्री। संगीत हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था मेहंदी ने। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराना से। एक कथक कलाकार नहीं है किशन महाराज तबला के हैं जो ऑप्शन में दिया गया उसके बाद ही आंसर है, तो इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZ
सी चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन करेगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। रोहला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। कुरु है इंद्रप्रस्थ की राजधानी। पंचाल है अहिछत्र की। कोसल है साकेत की। वत्स है कौशाम्बी। बिरहा है भोजपुरी और कजरी है अवधी और मल्होर ब्रजी और रशिया कौरवी। और लोकगीत क्षेत्र है बिरहा पूर्वांचल का है। रसिया ब्रजभूमि का है। आल्हा बुंदेलखंड का है। कजरी अवध का है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवस्तरी बाराबंकी में। वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है बिरहा। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है सोनभद्र है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का सही आरोही क्रम है गौतम बुद्ध नगर बाराबांकी मिर्जापुर सोनभद्र। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है चार राज्यों की सीमा है। उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगती पंजाब के साथ। कल्पी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही का अनुक्रम है सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर अम्बेडकर नगर संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर झांसी में। उत्तर प्रदेश की जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती बस्ती को। भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है उत्तर प्रदेश के पास प्रतिशत साक्षरता। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद है कांशीराम नगर। ड्रेनेज सिस्टम एंड इरिगेशन में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें गंगा नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधन में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचित रहट द्वारा है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र है 30%। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध उपस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध निम्न से कौन सा है तो रामगंगा है। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति धान की। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2017 में। उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है नौ। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है मूंग की। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है आलू एवं गन्ना का। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या नौ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। वह प्रदेश जहाँ जानवरों के पाली क्लिनिक नहीं है वह झांसी। वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है वह चावल है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है वह है गेहूँ। कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वह है धान मक्का गेहूं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है 15%। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है मूंग की। वर्ष 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था नेत्रहीनों का। उत्तर प्रदेश में बिक्रय शेष अधिकतम है गेहूं का। विश्व की वह महाशक्ति जिसने गत खाड़ी युद्ध में भाग लेने हेतु अपनी फौज नहीं भेजी वह चीन। उत्तर प्रदेश 2019-20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य है 275 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की तो अभी का देखिए इतना है 315 19-20 के लिए। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 160%। भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। विश्व में दूध का गृह उत्पादक भारत है। धान के उत्पादन उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश सोयाबीन की प्रमुख फसल मुख्यतः उगाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय स्थित है मथुरा में। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चना का है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल में देखेंगे। माता टीला बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक बंबर शेर सफारी स्थापित की जा रहा है इटावा में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन है 4.46% जो की 2017 में इतने हैं। और दुधवा राष्ट्रीय उत्पादन स्थित है उत्पादन मतलब उद्यान है लखीमपुर खीरी जनपद में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया 1 जुलाई 7 जुलाई मनाया जाता है। नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव में है। ओखला पश्चिम विहार है गाजियाबाद में। समस्तपुर है रायबरेली में। पार्वती है गोंडा में। उत्तर प्रदेश में राज्य राष्ट्रीय उद्यान जो कि अभी उत्तराखंड हो गया है
और असम है मानस, और उड़ीसा है सिमलीपाल, कर्नाटक बांदीपुर। सेंसस पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, उत्तर प्रदेश कानपुर लखनऊ नगर 10 लाख ही नगर बने 1971 की। 1981 की जनगणना में उत्तर प्रदेश सबसे कम साक्षरता हुआ दर वाला जनपद है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सबसे घना बसा जिला है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश पाकिस्तान से। उत्तर प्रदेश में जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है औरैया वर्तमान कानपुर। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता 42.98% थी, जो अभी DRA के अनुसार 57.2% है। 1991 और 1 के दौरान उत्तर प्रदेश साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो 11.34% ये भी 2011 के अनुसार। 2011 जनगणना के उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.3%। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता है श्रावस्ती की, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर 80.12% है। उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर अंकित की गई श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के साक्षरता दर में सर्वाधिक है गाजियाबाद, फिर है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। 2011-1 की जनगणना के उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनगणपत वाला आजमगढ़ था, और अभी 2011 के अनुसार जौनपुर और देवरिया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया गया कानपुर नगर में 65.83%, गाजियाबाद, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश सबसे घना बसा जिला है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा वर्ष 1961 में। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी 1991-2001 में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही 1991-71 और 1981 के दशक में। उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या उच्चतम वृद्धि दर रही है 1971-81 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला आबादी कुल लगभग 47.71%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या थी महोबा की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत था 73.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद है खीरी और रविदास नगर। अब करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि का कारण था स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का बजट पर जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है वह रामपुर। 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी 16 मई से 30 जून 2010 तक। भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या घना सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 63.8%। रॉबर्ट हॉर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्य और द्रविड़ियन का। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है मेरठ। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या थी वाराणसी की। आर्थिक समीक्षा में देखेंगे कन्नौज जिले का लोकप्रिय उत्पाद है इत्र, चीनी मिट्टी लोकप्रिय उत्पाद है बुलंदशहर का, लकड़ी खिलौने के लिए प्रसिद्ध चित्रकूट। उत्तर प्रदेश संतरे का सर्वाधिक उत्पादक जिला है सहारनपुर। सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। देश में अधिकतम आलू खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है वह बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में। महावीर जूस मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल्स स्थित है सहजनवा सहारनपुर। उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में आगरा में है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करता है उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश उद्यमियों को उद्योगों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है उद्योग बंधु। और तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है DUP डिस्को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है व्यापार कर। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान था लखनऊ का। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की कुल कर आगम में अप्रत्यक्ष करों का अंतर बढ़ा है।
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। औद्योगिक विकास की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। ग्रेनाइट पट्टिया तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। दादरी चुनार चूरकुतला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट में। वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था द्वितीय सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ 1 जनवरी 2008 को। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 6वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। रेणुकूट जाना जाता है हारमोनियम उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है शक्ति के स्रोत से। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। सीमेंट है चूर्क उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चूर्क कारखाना है। कागज सहारनपुर में है और इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में। फर्नीचर बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद में पर प्रसिद्ध है। माचिस बरेली में। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। चूर्क सीमेंट फिरोजाबाद चूड़िया और अलीगढ़ में। ताला प्रसिद्ध है। मेरठ में खेल का सामान। रेडकूट है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए। मेरठ है खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए। आंवला है उर्वरक के लिए। मोदीनगर है रबर के लिए। बाराबंकी है पाली फाइबर के लिए। कानपुर है विस्फोटक। आगरा पर्यटन है प्रमुख उद्योग है। कानपुर का चमड़े का सामान है। मेरठ में खेलकूद का सामान। मुरादाबाद में धातु पत्र है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा संबंध स्थान है। काष्ठ नक्काशी है सहारनपुर में। काष्ठ पादुका पीलीभीत में। जरी बरेली में। टेरा कोटा गोरखपुर में। लकड़ी खिलौने वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन छिनाट में। कांच का सामान फिरोजाबाद में। लकड़ी के काष्ठ के खिलौने वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में। पीतल की मूर्तियां मथुरा में। सीए सलाई बरेली में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला गया है मेरठ में। और उत्तर प्रदेश में एक नगरी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है नरोरा में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा में। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। कोटा है राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में नाभिकीय शक्ति केंद्र है। काराकरा पार गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। मिनरल रिसोर्स एंड प्रोडक्शन में जनपद है खनिज है तो सोनभद्र में चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा और इलाहाबाद में सिरिकाबाद। और जनपद है खनिज है सोनभद्र में चूने का पत्थर। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू। ललितपुर में तांबा। मिर्जापुर में नान प्लास्टिक फायर क्ले। और एंडालुसाइट पायराइट एवं डोलोमाइट धातु में पाई जाती है सोनभद्र जनपद में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की थी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई सोवियत रूस की सहायता से। उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई ललितपुर है। ट्रांसपोर्टेशन है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नहीं गुजरता है बस्ती से। जीटी रोड नहीं गुजरती है अलीगढ़ से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम किनारे मिलते हैं झांसी में। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने स्थापित जिस शहर में की जा रही है बरेली है। गंगा नदी का वह भाग जिसकी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया इलाहाबाद से हल्दिया तक है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा की 6-8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है नोएडा गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत SB बस सेवा को नाम दिया गया जनरत को। AC बस सेवा जो जनरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में स्थान नहीं है इलाहाबाद का। लखनऊ है अमावसी हवाई अड्डा और वाराणसी में बाबतपुर। कानपुर में चकेरी। आगरा में खेरिया और इलाहाबाद में बमरौली और कानपुर में चकेरी और लखनऊ में अमावसी और वाराणसी में बाबतपुर। बमरौली प्रयागराज में हवाई अड्डा है। चकेरी कानपुर में है। हिंडन गाजियाबाद में। फुर्सतगंज रायबरेली में। अब
अगर यह बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्य निवास करती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य की वह जनजाति जिसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है भोटिया है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है वो खीरी है। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली के शौके रूप में मनाती है थारू है। बहुत थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है खीरी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति है थारी थारू। उत्तर प्रदेश जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश बक्सर जनजाति पाई जाती है बिजनौर और आगरा जनपद में। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है माहीगिरी है। बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी है खरवार। उत्तर प्रदेश जनजातियों में से वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था प्रचलित करती है वह जनसारी है। उत्तर प्रदेश बक्सा जनजाति रहती है बिजनौर में। भारत का वह राज्य जहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को सूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया 2003 में। हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल साइट में देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम स्थित है आगरा में। यह भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है कानपुर में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में वाराणसी में। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला जिले में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है उन्नाव में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह नैमिषारण्य। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया आगरा में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जो है पातिहारी की। प्रसिद्ध नवचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है जहाँ देवी नवचंदी का मेला और बड़े मियाँ की मजार स्थित है प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। विश्व धरोहर स्थल नहीं है अकबर का मकबरा। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। नगर महोदय के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। दादरी मेला है बलिया में। नवचंदी मेला है मेरठ में। पंचकुहिया मेला है झांसी में। शाकुंभरी मेला है सहारनपुर में। बटेश्वर है आगरा में। देवा है बाराबंकी में। हरिदास जयंती है वृंदावन में। नवचंदी है मेरठ में। पर्यटन द्वारा आयोजित मेला त्योहार है और राज्य का स्थल है। पशु मेला बटेश्वर में। रूपनाथ मेला वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। और बाल माघ मेला इलाहाबाद में। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ है। और कुशीनगर में रमाभर स्तूप है। सारनाथ में रामेक स्तूप है। श्रावस्ती में सैयद महत है। और गोविंद साहब है ये जिला गोविंद साहब मेला लगता है आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सलार बहराइच में। शाकंभरी मेला देवी अच्छा सहारनपुर में। ये कनक भवन है अयोध्या में। और कादमगिरी पर्वत है चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग है बांदा में। देवा शरीफ है बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है। पशु मेला बटेश्वर में। देवा मेला बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान है 84 गुम्बद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कामगिरी पर्वत चित्रकूट में। कबीर महोत्सव बस्ती में होता है। कपिल महोत्सव फरुखाबाद में। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में। सुल्ला कुल महोत्सव आगरा में। वह पर्यटन स्थल जहाँ आगरा अवस्थित नहीं है वह कैसरबाग। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कबीर दास अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। वह स्थान है महगहर संत कबीर नगर में। नगर का प्रथम नागरिक नगर निगम पदेन सदस्य कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है मेयर। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसु। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मोर। अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही महिलाओं की संख्या 2 है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने सीटें 34 जीती थी। वर्तमान प्रदेश मंडलों की जनपद की संख्या 18 मंडल है। 75 जनपद है।
गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन भारत का वह राज्य जहाँ लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल चौधरी नायडू थे। उत्तर प्रदेश में नगर जहाँ नगर निगम नहीं है फैजाबाद अयोध्या है। उत्तर प्रदेश के अठारह जनपद है काशीरामगंज नगर और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना है गाजियाबाद है। गौतम बुद्ध नगर है नोएडा मुख्यालय है। ज्योतिबा फूले नगर है अमरोहा में, संत कबीर नगर खलीलाबाद में, सिद्धार्थ नगर अवगढ़ में, अंबेडकर नगर है अकबरपुर में, कानपुर देहात है अकबरपुर माटी में, जालौन है उरई में और सिद्धार्थ नगर नवगढ़ में। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए नाम है तो उत्तर प्रदेश प्रांत 1836 में दिया गया था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में दिया गया था। संयुक्त प्रांत 1937 में, उत्तर प्रदेश 1950 में। और उत्तर प्रदेश के नगर निगम शहर है मेरठ मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं पात्र नागरिक। उत्तर प्रदेश में प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया लखनऊ में। अब देखेंगे एजुकेशन लिटरेचर एंड लेटेस्ट मैगजीन्स। उत्तर प्रदेश का बस्तर जिसमें नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रही है ग्रेटर नोएडा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है पुरुषोत्तमगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी 1995 में। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है 4। वर्ष 2009 से 10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कुल 5। उत्तर प्रदेश केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही झांसी में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी जाती है वह 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखे गए विश्वविद्यालय की संख्या 2 है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से। लेखक है रचना है मुंशी ईसा अल्लाह खान ने उदय भान चरित लिखा है बाबूदेव की नंदन खत्री ने काजल की कोठरी और पंडित प्रताप नारायण मिश्रा ने हठी अमीर बच्चे शंकर प्रसाद ने कंगाल। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाती है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा। इम्पोर्टेंट रिसोर्स भारतीय दलान अनुसंधान संस्थान स्थित कानपुर उत्तर प्रदेश में। बीपी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु मथुरा में है। रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में स्थित प्रयागराज में। कन्हैयालाल मेडिकल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह है इलाहाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थापित है कानपुर है। एक नान सी एस आई आर संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है वह है IISR। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है शाहजहांपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित सहारनपुर में। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान है झांसी में। भारत खंडित संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ड विश्वविद्यालय 2001 में बना। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। भारत खंडी संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में। राजीव गांधी स्टेशन रायबरेली में है। अब ये संस्थान है स्थिति है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी है आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटर ये है मेरठ में। संस्थान सूची स्थापना भारत खंड संगीत संस्थान 1926 बना। राज्य ललित अकादमी 1962 में और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में और उर्वरक
देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में वह नगर जिसमें स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया वह गाजियाबाद है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना एवं प्रबंधन का सुधार करना, ये सभी मुख्य लक्षण है शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में सूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत आच्छादित है हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित एवं तेजाब के हमले से पीड़ित। उत्तर प्रदेश में कृषि बही योजना लागू की गई थी 1992 में। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकेंड हेतु चयनित जनपद नहीं है सीतापुर। उत्तर प्रदेश औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना उद्देश्य उद्योग बंधु योजना का। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। सड़कों के विकास से संबंधित योजना है लखनऊ योजना। अब है रिलायंस गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई सितंबर 2002 में। कल्प योजना संबंधित प्रारंभिक शिक्षा से मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2001 में हुआ। अक्टूबर में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश शुभारंभ हुआ था 2001 में। केंद्र सरकार की योजना नहीं है गंगा एक्सप्रेस में। और महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना उद्देश्य स्वावलंबन योजना का। मोबाइल मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 15 जिलों में। सुदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार एवं सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा में परिचय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है तालीम। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी आंवला में। उत्तर प्रदेश स्कूल जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित है 10 है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सीजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आगमन उपागम अपनाया गया था समग्रता उपागम। भारत का राज्य जो 2018-19 में चीनी का बेहतर उत्पादक था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज अवस्थित है कानपुर में। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया 26 जून 2020 को। लेखकों के नाम उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला लखपत साय, फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन और धनपत राय मिश्र श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद। अधिनियम है वर्ष है मध्य प्रांत कष्टकारी विधेयक 1883 में आया था। पश्चिमोत्तर प्रांत लगान अधिनियम 1881 में। अवध लगान अधिनियम 1886 में। दक्षिण क्षेत्रीय राहत अधिनियम 1979 को। हिंदी के महान व्यक्तित्व जन्मस्थान भगवती चरण वर्मा उन्नाव में, केदारनाथ सिंह बलिया में, महादेव वर्मा फरुखाबाद, इस्फहान फिरोजपुर छावनी। राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 का, राष्ट्रीय जल मिशन 2011 का, राष्ट्रीय महिला हिमालयी परिषद की है संपोषण मिशन 2014 का, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2018। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क के साथ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनर्निर्माण नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल गुप्ता और फिफ्थ है आनंद मिश्रा। उत्तर प्रदेश मानता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लगानपुर में अभिभाजित। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसको आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान की कलंकित किया जाना जाने लगा है वह आजमगढ़। उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां के। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन संबंधित है विश्व स्वास्थ्य संगठन से। उत्तर प्रदेश परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1960 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। आर्य भट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। उत्तर प्रदेश का वासा जो उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत कानपुर है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की जा रही बदायूं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक युद्ध हुआ था अमेरिका व उसके मित्र देशों और इराक के बीच।
मिट्टी के बर्तन है निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन है खुर्जा में, पीतल शिल्पकृत है मुरादाबाद में, शीशा शिल्पकृत है फिरोजाबाद में। विकास योजना जिला क्षेत्र, जैविक खेती को विकसित करना है हमीरपुर में, किसान बाजार की स्थापना बहराइच में, तेल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड में, भूमि सेना योजना बिजनौर में। अधिनियम पारित वर्ष, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा रोपण अधिनियम 1960, उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1963, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1965। एवरल पार्क है कानपुर में, ट्राइकोलॉजी पार्क है लखनऊ में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन है सहारनपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। तो ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, वीडियो पसंद आता है चैनल से सब्सक्राइब करें।